हर चीज के उसूल बनाते हो, अपने इर्द गिर्द दीवार खड़ी कर देते हो। तुम मुझे बिल्कुल नहीं जानती हो। सही कहा, माहिरा सब समझती है, इसीलिए चाहे दिखावे के लिए क्यों ना हो, हमें एक दूसरे के साथ अच्छी तरह पेश आना होगा। इसीलिए जो कुछ हुआ उसके लिए माफी मांगती हूँ। तुम हर वक्त डांटते रहो इसकी मुस्तहिक नहीं हूँ मैं। अगर अम्मी जिंदा होती तो कैसी लगती? हमारे पास उनकी एक भी तस्वीर नहीं है। उनकी कोई निशानी नहीं है हमारे पास। जानती हो सबसे मुश्किल क्या था? तुम्हारा बार बार ये पूछना आपा अम्मी कब वापस आएंगी, और तुम्हें ये बताना कि वो वापस नहीं आएंगी। इनसे मिलिए, ये है प्यारी माहिरा। हेलो माहिरा बेटी, मैं शौकत अंकल हूँ। बेटा तुमसे मिलकर बहुत खुशी हुई, और सुना है कि तुम शॉपिंग पर गई हुई थी, क्या खरीद कर लाई हो? तुम अपने कमरे में जाओ, मैं अभी आती हूँ थोड़ी देर में, ठीक है? जाओ बेटा। बात नहीं कर सकती वो, बदकिस्मती से उसके साथ ये मसला है। चोरी पकड़ी गई तुम्हारी। आयलन निजात से इतनी मोहब्बत करती थी कि उसने उसके नाम का टैटू बनवा लिया। अब क्या होगा? अब जबकि हम दोनों अकेले हैं यहाँ, तो सच सच बता दो मुझे ताकि तसल्ली हो जाए। क्या तुम मुझे हमेशा इसी तरह परेशान करती रहोगी? आयलन के बारे में मुझे एक अहम चीज पता चली, और वो अहम चीज ये है कि उसकी गर्दन पर एन टैटू हुआ हुआ है। यानी इंसान को एक ही नजर में देखकर पहचान लेती हो तुम? क्या कहोगी कि निजात को छोड़ने के बाद टैटू बनवा दिया तुमने?